नमो नारायण मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही प्रोग्राम भाग्य मंथन में। मैं ज्योतिषाचार्य राहुलेश्वर। नया साल आ रहा है, नई उम्मीदें नए अवसर ला रहा है। खो गई थी जो उम्मीदें दुनिया की भीड़ में, उनको याद दिला रहा है। आइए जानें इस साल किस राशि का भविष्य कैसा रहेगा। मंदी जो कि 2007 से लगातार बढ़ती जा रही थी, 2016 के बाद ऊपर नीचे करती हुई ठीक हो जाएगी। व्यापारियों के लिए अच्छा समय आने वाला है। व्यापार के लिए सरकारी नीतियां अच्छी होंगी। दो बड़े देशों में इस वर्ष युद्ध हो सकता है। दो महादेशों में युद्ध की स्थितियां प्रबल हो रही हैं। विश्व में असंतोष बढ़ेगा और छोटी घटनाएं बड़ी कार्रवाई का रूप लेंगी। यह साल पुराने हिसाब किताब खत्म करने का साल है। आइए जानें 2016 में वृषभ राशि का भविष्यफल क्या रहेगा। वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण से मिलकर बनती है। इस प्रकार 9 चरणों से मिलकर वृषभ राशि बनती है, जिनके स्वामी ग्रह शुक्र हैं। वृषभ लग्न में व राशि में उत्पन्न बच्चा गुरु भक्त, प्रियवाणी बोलने वाला, कृतज्ञता से भरा हुआ, धन के लिए लोभी प्रकृति का, शूरवीर और सभी लोगों का प्रिय होता है। 2016 वृषभ राशि वालों के लिए धन और लक्ष्मी प्राप्ति के क्षेत्र में कैसे रहने वाला है, यह जानते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए धन प्राप्ति के लिए यह वर्ष अच्छा है। राशि के स्वामी शुक्र का राशि पर सप्तम दृष्टि रखना बहुत शुभ है और वर्षों से तुलना की जाए तो यह वर्ष आपके लिए विशेष रूप से शुभ होगा। 2016 व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानें। व्यापारियों के लिए यह वर्ष शुभ रहेगा। यदि इस वर्ष आपको किसी सौदे में घाटा हो तो भी अंत में वह लाभ में बदल जाएगा। इस वर्ष कार्यस्थल पर जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना अच्छा है। आलस्य से दूर रहें, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आलस्य में भी वृद्धि करने वाली है। 2016 संपत्ति व निवेश की दृष्टि से वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानें। इस साल मंगल कष्ट स्थान पर है, जो कि थोड़ा समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इस वर्ष नई संपत्ति में निवेश ना करें और पुरानी संपत्तियों को भी ना छेड़ें। 2016 पारिवारिक दृष्टि से वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानें। इस वर्ष परिवार की तरफ से आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। परिवार में बहुत समय से रुकी शादी की खबर मिलेगी। घर में मंगल कार्य बढ़ेंगे। परिवार का समय व ध्यान पूजा पाठ में लगेगा। परिवार के रुके कार्य बनेंगे। कोर्ट में संपत्ति से संबंधित फैसला आपके हक में आ सकता है। 2016 विवाह व प्रेम क्षेत्र में वृषभ राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लाने वाला है, आइए जानें। यह वर्ष विवाह व प्रेम के दृष्टिकोण से अच्छा है। जुलाई तक का माहौल अच्छा रहेगा, पर जुलाई के बाद से थोड़ी समस्याएं और आपसी विवाद हो सकते हैं, जिन्हें आपसी सूझबूझ से निपटाया जा सकता है। तो जुलाई के बाद किसी मुद्दे पर बहस को ना बढ़ने दें। 2016 में शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा वृषभ राशि वालों पर, आइए जानें। वृषभ राशि वालों को इस बार पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना होगा। पंचभाव में चंद्र राहु का योग बन रहा है, जो कि बुद्धि को गलत कार्यों में लगाता है। पढ़ाई के चक्कर में माताजी से डांट भी खानी पड़ सकती है, इसलिए इस बार पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाएं। घर के बच्चों के स्वास्थ्य के संदर्भ में आइए जानें। जून व जुलाई माह में घर के बच्चों के स्वास्थ्य का आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 2016 स्वास्थ्य की दृष्टि से वृषभ राशि वालों का कैसे रहने वाला है, आइए देखें। राशि का स्वामी सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, जो कि स्वास्थ्य ठीक बनाता है। परंतु यहां शुक्र के साथ राशि को शनि देव भी देख रहे हैं, जो कि पेट संबंधी दिक्कतें करते हैं। बाहर का भोजन करने से बचें व पानी अधिक मात्रा में लें। 2016 के हिसाब से जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं, उनकी शांति के लिए हम यहां कुछ उपाय लेकर आए हैं, इन्हें ध्यान से सुने। इस बार शनिदेव आपकी जन्म राशि से सप्तम स्थान पर बैठे हैं। तीसरी दृष्टि से यहां पर यह नवम भाव को देखते हैं। सप्तम दृष्टि से यहां पर यह आपके लग्न स्थान को देखते हैं एवं दसवीं दृष्टि से यह आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं। दृष्टि प्रभाव के चलते आपको समय समय पर इन भावों से समस्या आती रहेंगी। सारे ग्रहों का गोचर आपके लिए अनुकूल रहे और आप प्रसन्नतापूर्वक जीवन जिए, इसके लिए हम आपको कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं, इन्हें ध्यान से सुने। पहला उपाय आता है मंत्र क्षेत्र से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप रोज 108 बार किया करें। दूसरा उपाय आता है यंत्र क्षेत्र से। शनि देव का अंक यंत्र घर की पश्चिम दिशा में स्थापित कर रोज धूप दीप दिखाकर पूजन किया करें। तीसरा उपाय आता है रत्न एवं रुद्राक्ष क्षेत्र से। स्त्रियों को इस वर्ष के अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए पन्ना धारण करना चाहिए और पुरुषों को इस वर्ष के अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने लाल धागे में पिरोकर शुक्ल पक्षीय सोमवार के दिन धारण करने चाहिए। चौथा उपाय आता है दान क्षेत्र से। बुधवार और रविवार के दिन गाय माता को चने की दाल व गुड़ का भोग लगाएं। पांचवा उपाय आता है जप एवं अनुष्ठान के क्षेत्र से।
रामचरित मानस का पाठ किया कीजिए। ज्यादा मानसिक कष्ट होने की स्थिति में शनि देव के जाप किसी योग्य पुरोहित जी से करवाएं। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार 2016 आपके लिए कैसे रहने वाला है, यह जानने के लिए हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे ईमेल व मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलिए मुझसे भाग्य मंथन में और बदले अपना भाग्य मेरे साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।